चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड का फेमस डिश धुतु बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए देखें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है सखुआ का पत्ता, और ये है अदरक का पेस्ट, और ये हींग है, ये नमक है, और इस पत्ते का इस टाइप का हम लोग साँचा बनाते हैं। और ये देखिए, ये चावल और उड़द दाल का पेस्ट है। चावल एक कटोरी, चावल एक कटोरी उड़द दाल बराबर मात्रा में डालना है। रात में सोख करके इसको पीस लेना है, और इसे गाढ़ा गाढ़ा ही पीसना है। उसके बाद इसमें हींग आदि और नमक मिक्स करके और इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद इस तरह का जो मोल्ड है उस मोल्ड में इसको डालना है ऐसे। यदि डालो, यदि आपके पास ये पत्ता ना मिले तो ये इडली के सांचे में भी बन जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। इसका पत्ते से इसका अलग फ्लेवर आता है। और उसके बाद इस तरह से इसको भर करके इसके मुंह को बंद कर देना है, और इडली का सांचा गैस के ऊपर चढ़ा करके उसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद सांचा रख करके और जाली के ऊपर इस तरह से रख देना है। और इस तरह से देखिए, मेरा इसमें और भी पहले से डाला हुआ है। और इसको ऐसे ढक्कन इसका लगा देंगे, इसको आधे घंटे तक पकाना है। आधे घंटे के बाद ये पक जाएगा, और उसके बाद देखिए ये मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये पक चुका है, और ये ऐसे पत्ता में होता है इस तरह से, और इस तरह से ये पक चुका है। उसके बाद इसके ऊपर जो पत्ता है इसको हटा देंगे, और इसको देखिए यहाँ पे बना हुआ है इस टाइप से, ये बन जाएगा। तो इसको फिर ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको सब्जी चटनी के साथ खाएं। यदि चाहें तो आप इसको जैसे इडली फ्राई करते हैं वैसे इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।